आज की वीडियो में आपको पता लगेगा प्लॉट्स के बारे में, और ये प्लॉट्स आपको मिलेंगे जेवर एयरपोर्ट के पास, वही जेवर एयरपोर्ट जिसकी आजकल सबसे ज्यादा चर्चा है। गुड़गांव के बाद अगर कहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपके लिए जेवर एयरपोर्ट के पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है। आपको पुणे में, अहमदाबाद में, आपको मुंबई में प्लॉट खरीदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास में ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको किसी प्राइवेट बिल्डर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी प्राइवेट बिल्डर की प्रॉपर्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। पुणे में, अहमदाबाद में, बेंगलोर में जहाँ आप प्लॉट खरीद रहे हैं, जहाँ आपने जगह कभी देखी भी नहीं है। और आपको मैं जो आज प्लॉट की अपॉर्चुनिटी बताने जा रहा हूँ, ये प्लॉट्स आपको मिलेंगे अथॉरिटी के। जी हाँ, आप देखना शुरू कर चुके हैं propertylendin.com चैनल, और मैं हूँ भूपेंद्र सिवाग। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के प्लॉट। ये प्लॉट्स आपको जून या जुलाई के महीने में देखने को मिलेंगे। अभी जो टेंटेटिव इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई है उसके बेस पे मैं आपको इस पूरी स्कीम के बारे में जानकारी दूंगा। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इसकी पूरी डिटेल आपको इसके ब्रोशर में मिलेगी, तो आप वीडियो देखने के तुरंत बाद फ़ोन करना शुरू ना कर दें, क्योंकि आपको फ़ोन पे किसी तरह की जानकारी नहीं दी जाएगी। आपको मैं बता देता हूँ कि ये प्लॉट्स 100-200 नहीं बल्कि 6000 प्लॉट इस बार अथॉरिटी लॉन्च करने जा रही है। इस कॉन्फिडेंस की जो वजह है वो ये है कि यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी ने 2023 में करीब 1200 प्लॉट लेकर आई थी। यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के 1200 प्लॉट्स के लिए पब्लिक में इतनी एक्साइटमेंट थी कि 2.5 लाख लोगों ने इसके लिए रजिस्टर्ड किया था, और करीब 1,40,000 लोगों ने सिर्फ 1200 प्लॉट के लिए अप्लाई किया था। उसकी वजह क्या है वो जान लेते हैं। उसकी वजह ये है, एक तो ये जो प्लॉट आपको मिलेंगे बहुत ही वाजिब प्राइस पे मिलेंगे, यानी आपको सर्कल रेट पे मिलेंगे। यूपी गवर्नमेंट और अथॉरिटी का मानना है कि मार्केट में आपको बिल्डर तो लूट रहे हैं एक तरह से, आपको मनमाने प्राइस पे प्लॉट दे रहे हैं, तो क्यों ना अथॉरिटी आपको एक सही प्राइस पे प्लॉट दे। इसी स्कीम को आगे बढ़ाते हुए 2024 में ये 6000 प्लॉट आपको देखने को मिलेंगे। इन 6000 प्लॉट्स का मैं सेग्रीगेशन कर देता हूँ, आपको बहुत एक्साइटमेंट होगी कि पता लगे किस किस साइज के प्लॉट होंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस स्कीम में अफोर्डेबल हाउसिंग की जो चाह रखते हैं उनका विशेष तौर पे ध्यान रखा गया है। 4000 के करीब इसमें प्लॉट सिर्फ 30 मीटर के लॉन्च होने जा रहे हैं, और इसका प्राइस आपको 7 से मात्र 8 लाख रुपए पड़ेगा। और ये नॉर्मल सेक्टर में आपको प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। इन सेक्टर्स में आपको कमर्शियल्स भी, स्कूल, हॉस्पिटल जैसी सारी फैसिलिटी मिलेंगी, जैसा कि नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के सेक्टर्स में आपको देखने को मिलता है। करीब 2000 प्लॉट जो होंगे वो आपको 60 मीटर, 90 मीटर, 120 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर और इसके अलावा 4000 मीटर तक का साइज आपको इसमें देखने को मिलेगा। जो मैंने आपको पहले 4000 प्लॉट बताए हैं वो आपको मैंने जैसे कि बताया 7 से 8 लाख रुपए में मिल जाएंगे। ये ड्रॉ के बेसिस पे होंगे, ये मैं अभी आपको एक अनुमान के तौर पे बता रहा हूँ। फाइनल जैसा कि मैंने बताया स्कीम लॉन्च हो जाएगी, फाइनल चीज़ें तभी निकल के आएंगी, और जो बड़े साइज़ के प्लॉट होंगे वो ई ऑक्शन के बेस पे मिलेंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि पता लगे जल्दी से कि ये प्लॉट यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के किस सेक्टर्स में हमें देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको बता दूं, ये आपको सेक्टर 17, सेक्टर 18 और सेक्टर 20 में प्लॉट्स देखने को मिलेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया जून या जुलाई के महीने में ये स्कीम लॉन्च होने वाली है। अगर अभी हम सर्कल रेट की बात करें कि सर्कल रेट क्या चल रहा है वहाँ पर, तो 26000 रुपये के आसपास सर्कल रेट है, और सर्कल रेट को ही हम मान लेते हैं एक बेस प्राइस होगा जहाँ से ई ऑक्शन स्टार्ट होगा, और जो जितनी ज़्यादा बोली लगाएगा मुझे लगता है उसको वो प्लॉट मिल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोग जो हरियाणा से हैं, गुड़गांव से, फरीदाबाद से हैं विशेष तौर पर, उनको पता है दीनदयाल जनावासी योजना पॉलिसी यहाँ से बंद हो चुकी है, प्लॉट के ऑप्शन यहाँ खत्म हो चुके हैं, तो आपके लिए प्लॉट्स का बहुत अच्छा ऑप्शन ये यमुना एक्सप्रेसवे अथॉरिटी के पास आपको देखने को मिलेगा। और जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास है ये सारे के सारे सेक्टर, और जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था, आने वाला टाइम आपको जेवर एयरपोर्ट के आसपास ही देखने को मिलेगा, जहां पर आपको रियल एस्टेट का बूम देखने को मिलेगा। जेवर एयरपोर्ट के अलावा आपको पता है फिल्म सिटी वहां बन रही है, वहां पर कार रेसिंग का ट्रैक है, इसके अलावा वहां पर अलग अलग जोन बनाए जा रहे हैं, और अलग अलग जोन में मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं,
और कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो बनाया था कि नोएडा अकेले में एक साल में 1,00,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई है। तो अगर हम जेंट्री की बात करें तो गुड़गांव बहुत आगे है नोएडा से, इससे कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती है तो उतना ही आगे नोएडा है गुड़गांव से। अब आप अगर इन्वेस्टर हैं और आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो मुझे पता है जो भी इन्वेस्टर है वो गुजरात में, हैदराबाद में, गोवा में, अयोध्या में, हर जगह इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि उसे अपने इन्वेस्टमेंट पे एक अच्छा रिटर्न चाहिए गुड़गांव के अलावा। तो आपके लिए ये यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के जो प्लॉट्स हैं एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और बहुत सारे से लोग हैं जिनका कम बजट है, तो कम बजट में भी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में बता दिया कि आपको 7 से 10 लाख रुपये के बीच में भी प्लॉट मिल जाएगा। और हाँ, ये जो 7 से 10 लाख रुपये का आपको प्लॉट मिल जाएगा, इसमें आप 2.5 मंजिल बना सकते हैं, और सारे के सारे नक्शे आपको यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी से पास कराने होंगे, और सबका फसाड और डिज़ाइन लगभग सेम होगा, क्योंकि इससे जो पूरा सेक्टर है उसकी सुंदरता बनी रहेगी। इस चीज़ का भी यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी ने विशेष ध्यान रखा है। तो उम्मीद करता हूँ मैंने आपको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बताई है इन्वेस्टमेंट की, या आप प्लॉट बाय कर सकते हैं, आप घर बना सकते हैं वहाँ पे। ये स्कीम जैसे कि मैंने बताया जून जुलाई में लॉन्च हो जाएगी। अगर आप इस स्कीम के बारे में अपडेट रहना चाहते हैं, ये कब लॉन्च होगी, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं, तो हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है, मैं उसका लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा कमेंट में, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जैसी स्कीम लॉन्च होगी इसकी सारी डिटेल आपको उस टेलीग्राम ग्रुप में देखने को मिल जाएगी। वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको लगातार इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।